बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दिल्ली सरकार ने यहां पर साफ कर दिया है कि यहां पर कार्यक्रम जो रखा गया था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यहां पर कार्यक्रम रखा गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और फिलहाल इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है क्योंकि एक बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है। आपको बता दें कि आज 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम था रद्द कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली में जो बड़ा हादसा हुआ है होटल में जो भीषण आग लगी थी इसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई है, और इसी के चलते फिलहाल दिल्ली सरकार ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तरुण कालरा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। तरुण, दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया अपना कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे जब शीला दीक्षित ने अपनी राजनीतिक जनसभा रद्द की तो अच्छा नहीं मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, जब गांव की दहलीज पर खड़ी है पार्टी कि एक तरफ मौत हो रही है दूसरी तरफ सरकार 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी किए हैं क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। सचिवालय के बगल में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहां पर मशहूर संगीतकार विशाल ददलानी का लाइव कॉन्सर्ट किया जाना था और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटाए जा रहे थे और करोड़ों का यहाँ पर खर्च भी हुआ था। लेकिन दिल्ली सरकार को लगा कि ये कार्यक्रम होने से कहीं ना कहीं लोगों में रोष पैदा हो सकता है, उनकी आलोचना हो सकती है, लिहाजा समय रहते हुए सरकार ने ये प्रोग्राम रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से संवेदना प्रकट की गई है सरकार की तरफ से, और सरकार को भी लगा कि इसका राजनीतिक मैसेज उनके अनुकूल नहीं जाएगा, लिहाजा ये प्रोग्राम रद्द हुआ है। अब स्थगित हुआ है या रद्द हुआ है ये डेट अगली कब होगी, क्योंकि 14 तारीख को 4 साल पूरे हो रहे हैं केजरीवाल सरकार के, तो हो सकता है कि जब उचित समय के ऊपर ये प्रोग्राम फिर से ऑर्गेनाइज कराया जाए। लेकिन आज के मौके के ऊपर दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर कोई जश्न का प्रोग्राम या फिर राजनीतिक जनसभा होती है तो उसकी आलोचना से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये एक उचित कदम उठाया है। बिल्कुल तरुण, एक बड़ा कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है लापरवाही ही है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर औचक निरीक्षण नहीं किए जाते हैं, तमाम तरह की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती है, लॉ जो फायर लॉज है उनका पालन नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि आज होटल में जिस तरीके से देखा गया था इतनी भीषण आग लग गई थी, जो एग्जिट गेट है इमरजेंसी गेट है वो नहीं खुल पा रहा था, वहां पर अग्नि निरोधक यंत्र मौजूद नहीं थे होटल में। तो यहाँ पर मानना होगा कि क्योंकि औचक निरीक्षण नहीं किए जाते और बिल्डिंग्स का मुआयना नहीं किया जाता कि आखिर इस तरह के जो निजी संस्थान बने हुए हैं, जो निजी होटल्स बने हुए हैं, उनकी चेकिंग की जाए। बिल्कुल, एक आलोचना तो सरकार की इस मामले में हो ही रही है कि जब ये हादसे होते हैं तब फौरी तौर पर कमेटियों का गठन कर दिया जाता है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है, लेकिन जब ये हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं फिर वही धड़ल्ले के ऊपर आ जाती है बाकी जिंदगी और नियमों की अवहेलना करते हैं होटल मालिक। इन हादसे के अंदर भी इसी तरह की लापरवाही सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर जब मजिस्ट्रेट अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को देंगे तब पता लग पाएगा कि होटल मालिक कितना संवेदनहीन था, कि उसको पता था कि इस तरह का हादसा किसी भी वक्त हो सकता है तो जरूरी इंतजाम अपने यहाँ पर क्यों नहीं किए गए, और फायम नॉर्म्स का जो उल्लंघन हुआ है, हालांकि NOC इस होटल के पास की ये बात मानी जा रही है, लेकिन फायर ने NOC देते समय क्यों नहीं देखा कि यहाँ पर 2 अतिरिक्त मंजिलें भी खड़ी की गई हैं जो कि नियमों के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं निशाना MCD के ऊपर भी जाता है क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज का पालन हो ये MCD की जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से उनके इंजीनियर की निगाह में ये मामला नहीं आया कि 4 मंजिल ही बना सकता है ये होटल, लेकिन 6 मंजिल वहां पर निर्माण कर दिया गया और वहां पर भी फायर नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर है। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद औपचारिक तौर पर सामने आ पाएगा कि सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर फायर इक्विपमेंट वहां पर होते और समय रहते हुए नियमों का पालन किया जाता तो ये हादसा जरूर टल सकता था। और अगर आप पहाड़गंज के अंदर जमीनी हालात देखें, करोलबाग के अंदर जमीनी हालात देखें, तो वहां पर संकरी गलियों के बीच में छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, कईयों के पास 50% से ज्यादा ऐसे होटल हो सकते हैं जिनके पास फायर का NOC तक नहीं है, और अगर फायर का NOC कागज के ऊपर है लेकिन जमीनी हकीकत में वहां पर फायर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, एग्जिट गेट क्रिएट नहीं किए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई अनहोनी घटना होती है तो सुरक्षित वहां पर रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा सके,
और कहीं ना कहीं अब आलोचना का शिकार तो सरकार होगी, इतना बड़ा हादसा हुआ है। तरुण, ये लापरवाहियां ही है जिसकी वजह